कि मनीष अब यहाँ से नहीं जाएंगे, पटना बेऊर जेल में ही रहेंगे। अच्छा, तो मनीष कश्यप अब बिहार में ही रहेंगे, तमिलनाडु नहीं जाएंगे? बिल्कुल, तब बिहार में रहेंगे। बिहार के जाने माने पत्रकार मनीष कश्यप को लेकर तमाम लोगों के मन में ये बात चल रहा था कि क्या मनीष कश्यप बिहार रहेंगे या फिर वो तमिलनाडु उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा। हालांकि इसको लेकर पटना के सिविल कोर्ट से एक बड़ी खबर सामने आई है। इन सारी चीज़ों को लेकर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट एस के मिश्रा सर है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। ये बताइए कि मनीष कश्यप को लेकर क्या फैसला आया है? देखिए, मनीष कश्यप को 21 तारीख को बेतिया में फिर से अपीयर होना था। अच्छा, और अभी इसके पहले 7 तारीख को भी अपीयरेंस था उनका। हाँ। तो वहाँ से बेतिया से पुलिस उसको पटना लेके आ गई। हाँ। हालांकि ये जुडिक्शन नहीं था पटना में आने का। हाँ। आज पटना में सारिका वालिया मैडम ने उनको यहाँ ये इंस्ट्रक्शन दिया कि मनीष अब यहाँ से नहीं जाएंगे, वो पटना बेऊर जेल में ही रहेंगे। अच्छा, तो मनीष कश्यप अब बिहार में ही रहेंगे, तमिलनाडु नहीं जाएंगे? बिल्कुल, तब बिहार में रहेंगे वो। हाँ। और बिहार में जो भी केसेस उनके पेंडिंग अभी इकोनॉमिकल ऑफेंसेस का 4 केसेस हैं, उसमें इनका अपीयरेंस पटना से ही होगा। अगर तमिलनाडु पुलिस चाहती है इनको ले जाना तो कोर्ट से परमिशन लेगी, ये न्यायालय का आदेश हुआ। बेतिया कोर्ट के द्वारा इजाजत दिया गया था कि मनीष कश्यप को बेतिया जेल में ही रखना, हालांकि इसके बाद भी पुलिस के द्वारा बेऊर जेल में लाया गया। वहां पर बेऊर जेल के द्वारा जो है नहीं रखा जा रहा था, एक दिन के लिए किसी तरीके से रखा गया। इकोनॉमिकल ऑफेंस 3, 4, 5 जो केसेस यहां चल रहे हैं पटना में, उस पटना केसेस में उनको कोर्ट में पेश करने के लिए फिर बेतिया से लाना पड़ता या तमिलनाडु से लाना पड़ता। तो न्यायालय ने इस व्यवस्था के लिए मनीष को देखते हुए कि जुडिक्शन मनीष का बिहार का है और बिहार में रहने वाला है, 4 केसेस पटना में पेंडिंग है, वहां का तमिलनाडु केस हो गया डिसाइड, वहां का बेल वहां से हो चुका है, और जो बेतिया का केस है उस केस में भी पटना से जाना वहां आसान रहेगा रादर कि वो बेतिया से पटना आए, क्योंकि यहां 4 केस पेंडिंग है, वहां पर एक केस चल रहा है अभी, इसमें 21 तारीख को डेट उसका है, तो यहां से जाएंगे वो। न्यायालय ने यहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही वो ऐसा नहीं अगर कोर्ट चाहे तो फिर इनको फिजिकली बुला सकता है। अब ये जिम्मेवारी बिहार पुलिस की है कि वो इनको कैसे वहां प्रोड्यूस करती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अगर कोर्ट का आदेश होगा तो होगा, अदरवाइज जो बिहार पुलिस है वो उनको ले जाएगी वहां पर कोर्ट में। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कितने महीने तक पटना के जेल में मनीष कश्यप रह सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा 4 FIR पटना में दर्ज है, हालांकि इसके अलावा NSA भी है जो कहीं ना कहीं संगीन धारा है। बिल्कुल सही बात है। NSA तो डिटेंशन के लिए होता है ना, NSA कोई केस नहीं है, डिटेन करना है कि आपसे लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित हो सकता है, इसलिए NSA लगाया गया। तो वो टेन्योर 1 साल का होता है। हाँ। तो उसमें डिटेंशन है, डिटेंशन पटना में होगा, क्या दिक्कत है? न्यायालय ने यही कहा कि बेऊर में रह के भी वो काम हो सकता है, इसलिए पटना के बेऊर जेल में ही रह के अपने तमाम केसेस की पैरवी वो बिहार का कर लेंगे। बस मनीष कश्यप पटना के बेऊर जेल में ही रहेंगे? बिल्कुल, बेऊर जेल। क्या लगता है कि कितने महीनों बाद वो जेल से बाहर? अब ये कहना मुश्किल है, अभी तो बामुश्किल एक केस में हम लोगों को स्टे कराया यहाँ पर, तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन उनके चाहने वाले हमेशा से, उनके माँ पिता भाई हर कोई का यही कहना था कि बस मनीष कश्यप को बिहार शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि तमिलनाडु में भाषा को लेकर, खान पान को लेकर हर कुछ बिहार से। मुसीबत तो थी ही, मनीष से मेरी बात भी हुई, तो मनीष ने भी यही इच्छा जाहिर किया कि हमको वहाँ दिक्कत हो रही है, अगर पटना में या बेतिया कहीं भी बिहार में रखवा दिया तो बढ़िया होगा। हमने कोर्ट से सबमिशन किया, हम लोगों ने मनीष कश्यप से बातचीत की है, क्या कहा? मनीष ने यही कहा कि हमको या तो बिहार में कहीं डाल दिया जाए, राघोपुर दीरम डाल दीजिए, हम रहने को तैयार है, लेकिन वहाँ तमिलनाडु में कई दिक्कतें होती है, भाषा का, रहने का, खाने का, रहन सहन हम लोग का बहुत अलग डिफरेंट है, इसलिए बिहार का कोई जेल हमारे लिए कंफर्टेबल रहेगा, वहाँ हम डिप्रेस हो जाएंगे। हम लोगों ने यही बात न्यायालय के समक्ष रखा और न्यायालय ने आदेश किया। तो बिहार के राजधानी पटना से कहीं ना कहीं सिविल कोर्ट से एक बड़ी खबर सामने आई है कि मनीष कश्यप अब बिहार में ही रहेंगे, और सिविल कोर्ट के द्वारा कहीं ना कहीं ये बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से मनीष कश्यप के तमाम जो चाहने वाले थे वो लोग चाह रहे थे कि मनीष कश्यप बिहार से बाहर नहीं जाए। अंत अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे जो भी लोग देख रहे हैं? नहीं, मनीष को दिक्कत थी और सब लोग को ये सहम रखनी चाहिए, बहुत जल्दी जल्द से बाहर रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बाहर आ जाएंगे। बाकी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जब मनीष कश्यप बाहर निकले, जैसे ही सिविल कोर्ट के द्वारा जो है कहा गया कि मनीष कश्यप बिहार में ही रहेंगे, तो फूल माला से कहीं ना कहीं जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय में जरूर दें, आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।